फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में ललिता यादव ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। हम लोग रेडी इसलिए हुए हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मंदिर जाने के लिए मैंने स्कूल भी नहीं गई मैं आज। और यहाँ पर देखिए मम्मी रेडी हो रही है। हम लोग ताज मंदिर जा रहे हैं आज। ये जो कोमल है ना, कोमल का भाई का माना हुआ है, तो आज हम लोग रेडी होके बड़े ताज मंदिर जा रहे हैं नागपुर वाली। तो आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे हम लोग क्या क्या करते हैं। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल में कंटिन्यू बने रहिएगा। जो हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपसे मिलती रहे। अभी हम लोग घर से निकल गए हैं। गोपाल गोपाल के पापा। फ्रेंड अभी हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। तो अभी हम लोग प्रसाद ले रहे हैं पूजा के लिए। प्रसादी वगैरह से मंदिर तो यहाँ पर देखिए प्रसाद खरीद रहे हैं आलू। और यहाँ देखो बाबू नुनु है कर मम्मी बैठ गई। चादर खरीद लिए हैं। अभी चलो ना, अभी टाइम है रे। फूफा जी अजमेर से पूजा का सामान खरीदा गया और अभी हम लोग चलते हैं मस्जिद के अंदर पूजा करने के लिए। ये देखिए बाहर का सीन बहुत ताज। यहाँ पर देखिए पापा लोग हाथ पैर धो रहे हैं मंदिर जाने से पहले। कितना अच्छा बने। देखिए अभी आ गए हम लोग मंदिर के अंदर। तो फ्रेंड अभी हम लोग का पूजा हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम लोग बैठे हुए हैं कसी से मेरे साथ और मम्मी अभी अंदर में ही है। मोहित पापा और आदित वो भी अंदर में ही पूजा कर रहे हैं। और ये नागपुर की सबसे बड़ी ताज मंदिर है, मतलब मस्जिद उसको बोलते हैं, सबसे ताज बाग उसका नाम है। एक बार जब कसी छुट्टी थी तब आए थे और एक बार अपने हस्बैंड के साथ आए थे और एक बार पूरे फैमिली के साथ आ जाए हैं। मेरा 3 बार है। कशिश तेरा कितने बार है? मेरा 4-5 बार है। 4-5 बार है। इसका भी 3 बार है। 3 बार नहीं है मेरा भी। देखिए मम्मी भी बैठी हुई है। देख लीजिए फ्रेंड अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। घर से खाना हम लोग बना के लाए थे, ये पूरी और मसाला चावल और सब्जी भी। पूरी सब लोग एक में बैठ के खा। हाँ मैं बाहर आया हूँ अपने फ्रेंड अभी हम लोग आ गए अपने घर। देख लीजिए कसी कसी तो ऑटो में ही सो गई थी। कोमल भी सो गई थी ऑटो में। आ जाओ कोमल। ताला चाबी कहाँ है? चाबी किसके पास है रे? दादा से पूछ।
भी आप देख सकते हैं कशिश आते के साथ यहाँ सो गई है। कशिश बहुत थक गई, हम लोग भी बहुत थक गए, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। हम लोग वहाँ पर बहुत मस्ती किए, बच्चे लोग भी बहुत मस्ती किए और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड अभी थोड़ा देर हम लोग आराम कर लेते हैं, तब आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आगे क्या होगा और बहुत कुछ दिखाने भी वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कशिश सो करके उठ गई, ये नाटक की थी, सोई नहीं थी और हमको भी सोने नहीं दिए। यहाँ पे चोरा चोरा करके देखिए मिठाई खा रही है, अजमेर शरीफ मिठाई खा, अभी सबको बांटना है, चोरी करती है तो अभी चलते हैं। फ्रेंड सबको प्रसाद भी बांटना है, तो प्रसाद लाए हैं तो मम्मी को देते हैं पहले। देख सकते हैं मम्मी इतने रात में खाना बना रही है, रात का 9:30 बज रहा है और मम्मी यहाँ पे इतना सारा आटा लेके रोटी बना रही है। सब खाना तू खा रही है? मैं खा गई थी। और अभी हम क्या भूखे रहेंगे, कल मेरा उपवास है कि नहीं? वाह, मतलब जिस दिन उपवास रहेगा उस दिन ठूस ठूस के खाएगी। तो कल मेरा 24 घंटा का रहेगा। शाम में कौन खाएगा? तू शाम में खाएंगे, बना के रखेगी वो भी, कल के लिए खाना भी नहीं अच्छा। दादी भी खाएगी कुछ? नहीं खाएगी दादी रोटी। कितने रोटी बना? अरे एक रोटी छोड़ देंगे, दो ही रोटी खाएगी का बस? पांच रोटी खाएंगे, पांच पापे तीन को खाएंगे रोटी। फुआ था, फुआ तो खाएगी। फ्रेंड रोटी बनाने के बाद हम खाना भी खा लिए, पर उस वक्त का वीडियो हम शूट नहीं किए क्योंकि हमको बहुत जोर से भूख लगी थी इसीलिए। और खाना हम क्या खाए, रोटी और टमाटर की चटनी मीठी वाली। और यहाँ पर देखिए कशिश मुंह खुला के बैठी हुई है, उसको तोड़ देगी सगुन। हाँ तोड़ देगी उसको, क्या हुआ तुमको? तो अभी रात के बज गए 10 और यहाँ पे देखिए मोहित सो गया, वो भी बहुत थक गया, आगे कशिश नहीं थकी है इसीलिए लोग घंटी बजा रही है। कशिश मंदिर से आने के बाद वो दोपहर में भी सोई थी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आज का ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तक ले जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।